कोर्टयार्ड मेरिट में आई एम वर्किंग एज अ सुपरवाइजर। बहुत बढ़िया। यूके में मिनिमम सैलरी 25 to 26K एनुअली। 25 to 26,000 पर ईयर। इंडियंस इसलिए डोमिनेट करते हैं क्योंकि इंडियन हॉस्पिटैलिटी बहुत वाइड है, बहुत बड़ी है। इंडियन हॉस्पिटैलिटी के स्टैंडर्ड सब हॉस्पिटैलिटी से अलग है। बेसिक इंटरव्यू में क्या होता है, यहाँ क्या पूछते हैं जनरली? तो यहाँ बेसिकली इंडिया से डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ। इंडिया में क्या है, आपसे टेक्निकली चीज़ें बहुत पूछेंगे। आई गेस जो हॉस्पिटैलिटी वाले जो देख रहे हैं उनको सबको पता ही होगा कि इंडिया में तो मिनिमम 12 आवर शिफ्ट 14 आवर शिफ्ट वहाँ ये रहता है, बट यहाँ क्या है, यहाँ फिक्स है 8 आवर्स। हरियाणा को तो यही है कि भाई राम राम सारे आने हरियाणा से जो भी अपने भाई आ रहे हैं तो वो आओ, ऐसी कोई वो नहीं है कि अपॉर्चुनिटी है अभी भी यहाँ। हाय गाइस, दिस इज़ रैडी बॉय। आई होप सब लोग मस्त तो मज़े में हो। लंदन में हूँ और बिल्कुल एयरपोर्ट के सामने खड़ा हूँ, हीथ्रो के सामने। ये कोर्टयार्ड बाय मैरियट है हीथ्रो के सामने, यहीं पर रुका हुआ हूँ क्योंकि इंडिया जा रहा हूँ। बट सबसे बड़ी बात यह है, मैं ना आज ये व्लॉग इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि सब पूछते हैं मैंने क्या किया था। वेल, मैं हॉस्पिटैलिटी से हूँ ओरिजिनली। जब मैं यूके पढ़ने आया था तो हॉस्पिटैलिटी में डिग्री की थी, मास्टर्स की थी और फिर जीएम रहा हूँ मैरियट में, खुद जनरल मैनेजर रहा हूँ। पर आज मैं एक स्टूडेंट से बात करूँगा जो अपना हरियाणा से है और अब वो यहाँ पर सुपरवाइज़र है होटल में, कि इंडियंस को कैसे जॉब्स मिलती हैं ऐसी, कैसे उसने राइज किया और क्यों इंडियंस ही डोमिनेट करते हैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को यूके में और यूरोप में, रेस्टोरेंट्स में, होटल्स में। तो इस बारे में बात करते हैं, चलो लेट्स गो। आजा भाई। जय भाई, एकदम हमारा हरियाणा का जय, क्या हाल है? बस एकदम बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया भाई, कैसे और कहाँ से है बता जल्दी से। मैं बेसिकली हरियाणा से बिलोंग करता हूँ हिसार से। अरे यहाँ कोर्टयार्ड मेरिट में आई एम वर्किंग एज अ सुपरवाइजर। बहुत बढ़िया भाई, गंदी हवा चल रही है और सामने एयरपोर्ट है, मैं इनको बता रहा था अंदर चल के बात करते हैं। चलो अंदर चलो, देख लो भाई, भाई को हमारे, लेट्स गो इनसाइड, चलो। हाँ तो हम लोग ऊपर आ गए हैं होटल में। जय, कौन सा फ्लोर है? थर्ड फ्लोर, सिक्स फ्लोर है, कौन सा फ्लोर है? ये सिक्स फ्लोर है। पीछे आप लोग वो बता नहीं, व्यू दिख रहा है नहीं दिख रहा? एक्चुअली हमारे बिल्कुल सामने रनवे है, जल्दी से दिखा देता हूँ एक बार। जहाज भी खड़े हैं पर क्योंकि वहाँ लाइट साफ नहीं आ रही बढ़िया, इसलिए इस तरफ हमने एक्चुअली अपना कैमरा मूव कर लिया कि हम लोग थोड़ी लाइट यहाँ बेटर थी। तो बता भाई जय, तो अपना भाई हरियाणा से, हिसार से? हिसार से। बहुत बढ़िया भाई, हिसार वाले अपने भाई देख रहे हो तो राम राम सबको। तो भाई कितना टाइम हो गया यहाँ पर इंग्लैंड में फिर टोटल? अभी मेरे को ऑलमोस्ट हो गया 2.5 ईयर। 2.5 ईयर्स हो गए। तो भाई कैसे यूके की जर्नी, कैसे सोचा यूके आने के बारे में, क्या पढ़ाई करी यहाँ पर, कुछ बताओ अपने बारे में प्लीज। तो यहाँ आने का मेरा पर्पस ये था, जैसे मैंने 3-4 कंट्री चूज की थी। अच्छा। बट जैसे मेरा एक फ्रेंड है वो भी हरियाणा से ही है। अच्छा। तो वो यहाँ पे था, वो मास्टर्स कर रहा था। अच्छा। तो उसने मुझे सजेस्ट किया कि ये कंट्री ठीक है। हाँ। आफ्टर कि पोस्ट ग्रेजुएशन होने के बाद PSW भी मिल जाता है। हाँ। ये एक एडवांटेज है। तो फिर सबको ही पता है कि लंदन तो टूरिंग बेस्ड कंट्री है बेसिकली, तो इसलिए फिर मैंने, मेरा बैकग्राउंड भी हॉस्पिटैलिटी से ही है। अच्छा, मैं यही पूछने वाला था, बैकग्राउंड क्या, होटल मैनेजमेंट किया हुआ है? हाँ, होटल मैनेजमेंट किया मैं IHM जयपुर से मैंने। बहुत बढ़िया। उसके बाद मैंने मेरिट के साथ ही अपना स्टार्ट किया था काम। अच्छा, इंडिया में? हाँ, इंडिया में। क्या किया था भाई वहाँ पे? मैं वहाँ पे मैंने FNB एसोसिएट एज ए स्टार्ट किया था। हाँ। फिर उसके बाद मैंने दिल्ली में भी काम किया हुआ है, दिल्ली में हायत एजेंसी, न्यू दिल्ली में किया हुआ है। बहुत बढ़िया, मेरे घर के पास। बहुत बढ़िया, बताया नहीं तूने मिलने आ जाता मैं तो यहाँ हूँ इतने टाइम से। बट मैं इसलिए पूछ रहा था बैकग्राउंड की, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हॉस्पिटैलिटी में क्या स्कोप है, जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिन लोगों ने होटल मैनेजमेंट किया हुआ है या यहाँ मास्टर्स करना चाहते हैं। बट उससे पहले इंडिया से भाई ने बैचलर्स किया है, होटल मैनेजमेंट किया है, IHMC डिग्री की, और अब यूके फिर मास्टर्स करने आया आप। किस चीज़ में मास्टर्स किया है भाई आपने? मास्टर्स वैसे मैंने किया है इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट में। कहाँ, कौन सी यूनिवर्सिटी? किंग्सटन यूनिवर्सिटी। किंग्स, अच्छा, किंग्स यूनिवर्सिटी लंदन। किंगस्टन लंदन, ओके, किंगस्टन लंदन। वही मैंने कहा किंग्स कॉलेज तो मास्टर्स कराता ही नहीं, इसमें लगा। अच्छा, किंगस्टन से किया, और क्या सब्जेक्ट थे? इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट। हाँ, इंटरनेशनल बिजनेस, बेसिकली बिजनेस से रिलेटेड, मार्केटिंग से रिलेटेड, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अच्छा, तो ये सब था। गुड चॉइस, मेरे ख्याल से हॉस्पिटैलिटी के बाद बढ़िया। हाँ, मतलब बेसिकली क्या है, सिमिलर ही है हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी में वही सब चीज है, सेल्स है, जैसे मार्केटिंग है, तो वही सब चीज है, सिमिलर है बेसिकली। बहुत बढ़िया। तो कैसी रही जर्नी, कैसा लगा इंग्लैंड, और कैसे भाई सुपरवाइजर बन गया, थोड़ा बताओ अपने बारे में जरा। पढ़ाई मतलब आती ही पढ़ाई करनी चालू कर दी थी, उसके बाद फिर कैसे?
आते ही पढ़ाई करनी चालू कर दी थी, उसके बाद फिर कैसे जॉब्स मिली? तो बेसिकली जहाँ आने के बाद जैसे पार्ट टाइम जॉब्स, तो जैसे यहाँ थोड़ा क्राइसिस है पार्ट टाइम जॉब्स का, तो वो भी बेसिकली रेफरेंस से ही मिली मुझे। अच्छा, दोस्त था जैसे कोई? हाँ, मेरा का दोस्त रोहतक से। हाँ, रोहतक से। बहुत बढ़िया, ये बहुत फायदा हो जाता है अगर आप किसी को जानते हो तो, मैं हमेशा बोलता हूँ पहले ही। हाँ, तो रेफरेंस से जॉब मिली? तो रेफरेंस से जॉब मिली, उसने जैसे वो रेस्टोरेंट में जॉब करता था, उसने बताया कि ऐसे ऐसे है, इंडिया से आया मेरा फ्रेंड है और हॉस्पिटैलिटी में काम किया हुआ है। अच्छा, तो उन्होंने एक दिन मुझे ट्रायल शिफ्ट पे बुलाया, तो उनको सही लगा तो उन्होंने फिर मुझे रख लिया वहाँ। सही लगा क्योंकि एटीट्यूड सही था भाई का, इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी थी, तो जो मैटर करती हैं यूके में काम ढूंढने के लिए। फिर अच्छा, वहाँ से जर्नी यहाँ तक कैसे पहुँची? फिर वहाँ से उसके बाद मैंने जैसे मेरी मास्टर्स कंप्लीट की। अच्छा, अभी भाई पीएसडब्ल्यू पे? अभी मैं पीएसडब्ल्यू। पोस्ट स्टडी वर्क वीजा है जो पढ़ाई खत्म होने के बाद मिलता है 2 साल का? हाँ। अच्छा, तो एजुकेशन कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने इंटर्न के लिए अप्लाई किया यहीं पर। हाँ, यहीं पे नहीं, उसी रेस्टोरेंट में जहाँ मैं पार्ट टाइम जॉब कर रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, ये एक एडवांटेज हो गया मेरा, तो मैंने वहाँ उसके लिए इंटर्नशिप के लिए अप्लाई किया और यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट भेजे, जो भी इनकी रिक्वायरमेंट थी वो सारी फुलफिल हुई, तो उसके बाद उन्होंने अप्रूव कर दिया मुझे। तो मैंने 1 साल की इंटर्नशिप भी वहीं से की। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे ही मेरा सेप्टेम्बर में कोर्स कंप्लीट हुआ, तो यहाँ पे भी वही एक सेम सिनेरियो, यहाँ भी मेरे फ्रेंड्स थे बिल्कुल, तो यहाँ वैकेंसी थी, उन्होंने बोला कि अपना रिज्यूमे भेज और एक बार इंटरव्यू देख देख ले अगर कुछ होता है तो। बिल्कुल, तो मैंने अपना रिज्यूमे भेजा, फिर इन्होंने इंटरव्यू के लिए बुलाया। इंटरव्यू देने के बाद तो उनको सही लगा। इंटरव्यू में क्या होता है यहाँ पर? ये एफएनबी एसोसिएट का इंटरव्यू था ना यहाँ पे, तो सुपरवाइजर। अच्छा, सीधा सुपरवाइजर के लिए आया था और पीएसडब्ल्यू पे था, तो बेसिक इंटरव्यू में क्या होता है यहाँ, क्या पूछते हैं जनरली? तो यहाँ बेसिकली इंडिया से डिफरेंट कॉन्सेप्ट है। हाँ। इंडिया में क्या है, आपसे टेक्निकली चीज़ें बहुत पूछेंगे कि क्या होता है, क्या हायरार्की है, क्या प्रोसेस है, यहाँ वो सब नहीं है। यहाँ कि आप टीम को लीड कैसे कर सकते हो, आपको कंट्री के रूल्स पता होना चाहिए बेसिकली क्या है। जैसे यहाँ अल्कोहल का बड़ा हुआ कि अंडर 18 को आपको सर्व नहीं करनी है, उसकी आईडी देखनी है, ये सब चीज़ें जो बेसिक जो चीज़ें हैं। तो यहाँ का पॉजिटिव एटीट्यूड, जो पॉजिटिव एटीट्यूड, प्रैक्टिकल अप्रोच आपकी, इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स, मैं इसलिए बोलना चाहता हूँ भाई बता दें, मुझसे पूछते हैं कि क्या जरूरी है बिना इंग्लिश के यूके आए या ना आए? नहीं नहीं, इंग्लिश तो अगर आपकी कम्युनिकेशन अच्छी है तो वो एक सबसे बड़ा एडवांटेज आपके लिए। हाँ, नॉट इन हॉस्पिटैलिटी ओनली, अगर आपको कहीं भी जाना आईटी फाइनेंस कहीं भी, स्पेशली हॉस्पिटैलिटी में भाई ऑफकोर्स कहीं भी, क्योंकि हम लोग हमारा रोल ही कस्टमर फोकस्ड है, फेसिंग है। तो जैसे आपने बोला जब जय ने इंटरव्यू दिया था तो जय से पूछा गया मैनेजमेंट के बारे में, बट हाउ विल यू मैनेज अ टीम अगर आपको इंग्लिश ही नहीं आती? Exactly. क्योंकि यहाँ पर आप काम करते हो, इंग्लिश है यहाँ पर, पोलिश है, रोमेनियन है, पूरा यूरोप है, तो अगर इंग्लिश इज अ नॉर्मल लैंग्वेज जिससे आप सबसे कम्युनिकेट कर सकते हो। Exactly. हिंदी थोड़ी आती है सबको, किसी को भी नहीं आती, तो अगर आपको उसमें आप एक्सेल नहीं करते तो आप ग्रो नहीं कर सकते। Exactly. फिर सुपरवाइजर नहीं बन सकते। अब तू अपनी कैसे बोलता हुआ एसोसिएट्स को बताता हुआ ना, ये करो ये मत करो, तो इसलिए इंग्लिश बहुत जरूरी है। तो यहाँ का वर्क कल्चर इंडियन होटल मैनेजमेंट से कैसे अलग है? वहाँ भी काम किया हयात में, यहाँ क्या डिफरेंस है थोड़ा सा बताओ प्लीज। डिफरेंस ये है, एक तो वर्किंग आवर्स का जो सबसे बड़ा वो है कि इंडिया में जैसे आई गेस जो हॉस्पिटैलिटी वाले जो देख रहे हैं उनको सबको पता ही होगा कि इंडिया में तो मिनिमम 12 आवर शिफ्ट, 14 आवर शिफ्ट वहाँ ये रहता है, बट यहाँ क्या है, यहाँ फिक्स है 8 आवर्स। इंडिया वालों को तो पता है पंचिंग का टाइम था, पंचआउट का टाइम बेटा होटल में जाओ होटल में ही सो। वहाँ तो यही सिनेरियो, बट यहाँ क्या है, यहाँ चीजें ऑर्गेनाइज है बेसिकली। और सबसे बड़ा डिफरेंस ये है कि कस्टमर, इंडिया में जो कस्टमर आते हैं वो बहुत फंसी आते हैं, सबको पता है कि वो एक छोटी सी चीज का भी कैसे इश्यू क्रिएट कर देते हैं, दाल की खाल कि फ्री फूड उन्हें पता है कैसे लेना है, फ्री ड्रिंक्स पता है उन्हें कैसे लेना है, मतलब कस्टमर के भी सिनेरियो से बड़ा हुआ है। बट यहाँ क्या है, यहाँ कस्टमर उतने डिमांडिंग नहीं है, कम डिमांडिंग है। कस्टमर तो कहीं भी अच्छा बुरा हो सकता है। हाँ। बट यहाँ ओवरऑल कम डिमांडिंग है इंडिया के हिसाब से। हाँ। नहीं नहीं, मैंने वो कस्टमर भी देखे जो इंडिया में डिमांड करते तो यहाँ के नहीं करते। ये भी बात सही है भाई, ऐसा पता नहीं क्या बदल जाता है यहाँ के। बट हाँ, तो क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो इंडिया में काम कर रहे हैं ना हॉस्पिटैलिटी में, शेफ्स फ्रंट ऑफ हाउस में और बैक ऑफ हाउस में, वो चाहते हैं मूव करना कहीं अगर बाहर, तो इनसे उनको हेल्प मिलेगी। जैसे आपने बोला कि इंडिया में थोड़ा लेबोरियस ज्यादा है, आपको वर्किंग आवर्स बहुत ज्यादा है, यहाँ पे 5 दिन आप काम करते हो ऑन एवरेज, 6 भी कभी कर सकते हो, पर 5, 2 दिन की छुट्टी होती है, सैटरडे संडे नहीं, बट हाँ नॉर्मली 2 दिन की छुट्टी होती है, तो थोड़ा आपको अपना टाइम मिल जाता है, एक सेट रोटा होता है, रिलैक्स एनवायरमेंट है। और क्या आप बताना चाहोगे हॉस्पिटैलिटी के बारे में, क्यों भाई
इंडियंस ही क्यों डोमिनेट करते हैं हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, क्योंकि जब से मैं आया, मैंने भी सबसे पहले रेस्टोरेंट में ही पार्ट टाइम जॉब की थी, फिर मैरियट से ग्रेजुएट प्रोग्राम किया, जी एम बी एम बना, जो भी जर्नी थी, बट इंडियंस इतने सारे मिलते हैं इस रास्ते में, आपको क्या लगता है इंडियंस क्यों डोमिनेट करते हैं इस इंडस्ट्री को? इंडियंस इसलिए डोमिनेट करते हैं क्योंकि इंडियन हॉस्पिटैलिटी बहुत वाइड है, बहुत बड़ी है। इंडियन हॉस्पिटैलिटी के स्टैंडर्ड सब हॉस्पिटैलिटी से अलग है, इफ़ यू कंपेयर विद अदर कंट्रीज बेस्ट है। इंडिया के अंदर अगर आपने हॉस्पिटैलिटी में काम किया तो आप वेल पॉलिश्ड हो, मतलब आपको बेसिक्स पता है, सब कुछ पता है, तो ये एक डिफरेंस है जो यहाँ लोग मतलब ज़्यादा उन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते यहाँ, मतलब प्रैक्टिकली ज़्यादा देखते हैं लोग ना, थ्योरेटिकली मतलब जैसे इंडिया में क्या है, लोगों को वाइन्स की नॉलेज काफ़ी अच्छी है, अल्कोहल के लिए, फूड का, मतलब आपको डीप नॉलेज होनी चाहिए इंडिया के अंदर, क्योंकि इंडिया में क्या है, गेस्ट पूछता है आपसे, ये डिफरेंस है, जैसे गेस्ट आपसे पूछेगा, क्योंकि वहाँ गेस्टों को पता है, यहाँ गेस्ट ज़्यादा पूछते नहीं क्यों रेड वाइन, कौन सी रेड वाइन इसके साथ अच्छी है, क्या डिफरेंस है। और जैसे भाई ने बोला होटल मैनेजमेंट की थी, तो हम थ्योरी में सब पढ़ा था कहाँ से बनती है, कौन सा अंगूर है, कौन सा ग्रेप है, क्यों विनेगर यूज होता है, तो ये यहाँ पे तो ये सब पढ़ाते ही। तो ये बात मैं जरूर बोलना चाहूंगा, जैसे हम इंडिया के बारे में बोल रहे थे, आई एम श्योर जैवी भाई भी एग्री करेगा हमारा हरियाणा वाला, कि इंडिया में अगर आपने काम किया, हम कह तो रहे थे 12-15 घंटे पर, वो काम जो है ना आपकी जिंदगी बना, एग्जैक्टली वही काम है कि राइस करते हैं आप कहीं देख लो, दुबई देख लो, यूएस देख लो, लंदन में देख लो, या कहीं भी किसी कंट्री में आपको हॉस्पिटैलिटी में इंडियंस जरूर मिलेंगे। बिल्कुल, मैं यही तो कह रहा हूँ, डोमिनेट करते हैं। Dominate. मैं कितना ट्रैवल करता हूँ, मतलब मोस्टली इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज में इंडियंस हैं, छोटी से बड़ी पोजीशन तक, क्योंकि और मेरे को एक और रीजन लगता है जय, अगर मैं गलत हूँ तो बताइए भाई, लेबोरिया से तो हम मेहनती बहुत है, हमारे सपने हैं तो हम काम करने से नहीं डरते, हमें शिफ्ट 8-10 घंटे की, जिसने इंडिया में काम किया उसके तो 8-10 घंटे उसको पता ही लगेगा क्या। तो राइज करने के लिए पैशन भी चाहिए, हमारे अंदर पैशन है, ग्रोथ की वो है कि भाई कुछ करना है, घर से आए हैं तो मतलब ऐसे ही नहीं कि चले जाते हैं, तो भी रीजन है। और क्या रीजन आपको लगता है भाई? दूसरा क्या है, इंडिया में क्या है, इंडिया में हॉस्पिटैलिटी में अगर आप जॉब करें तो आपका बैकग्राउंड भी हॉस्पिटैलिटी से ही होगा। बिल्कुल, यहाँ क्या है, यहाँ वैसा नहीं है कि जैसे फॉर मेरा एग्जाम्पल ले लो, जैसे मैंने IBM किया है, बट ठीक है मैंने हॉस्पिटैलिटी के लिए अप्लाई किया, तो ये आपका बैकग्राउंड इतना चेक नहीं करते हैं बेसिकली। इंडिया में तो क्या है कि अगर आप किसी एक इंडस्ट्री में हो, नॉट इवन हॉस्पिटैलिटी, अगर आप फाइनेंस में हो या आप IT में हो, आप कहीं भी हो ना, तो आप सेम इंडस्ट्री में ही ग्रो कर सकते हो, आप स्विच नहीं कर सकते। अगर आप स्विच करोगे आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, बट यहाँ ऐसा नहीं है, मूव अराउंड कर सकते हैं। यहाँ क्या है, यहाँ ऐसा नहीं है, अगर आप जैसे इंटरव्यू देते हो और इनको लगता है कि यू आर कैपेबल इनफ, तो ये आपको जॉब दे देंगे, क्योंकि तो यही एक बड़ा डिफरेंस मुझे जो लगता है कि यहाँ आप किसी भी इंडस्ट्री से रिलेट करते हो अगर और बेसिकली मैंने यहाँ देखा, जैसे कि आप जैसे पार्ट टाइम जॉब करते हो, तो मोस्टली हर स्टूडेंट, किसी भी इंडस्ट्री का स्टूडेंट पार्ट टाइम जॉब करता है हॉस्पिटैलिटी में, बार में करेगा, रेस्टोरेंट में करेगा, मैकडी पे करेगा, KFC पे करेगा। इनका रीजन भी बता दो क्यों करता है, आपको पता होगा इसका रीजन। तो उसका रीजन यही है कि बेसिकली ये टूरिज्म बेस्ड कंट्री है, काम बहुत है, काम बहुत है, मेन लोग क्या है, यहाँ जो सबसे वाइड जो है, मतलब जहाँ जॉब्स है, जो सब कुछ है, वो हॉस्पिटैलिटी एक सेक्टर है। बिल्कुल, और टेक अवे जो ये सब जो भी है, क्योंकि खाने का इतना। और दूसरी चीज क्या है, जब हम स्टूडेंट होते हैं, हमारी क्लासेस होती है, तो इसमें हमें सैटरडे संडे को आराम से काम मिल जाता है। क्योंकि हॉस्पिटैलिटी सैटरडे संडे को बिजी होती है, रेस्टोरेंट बार, तो ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है। पर भाई बहुत सही बात बताई, आई एम श्योर जो बच्चे अब प्लान कर रहे हैं पढ़ने के लिए यूके में किसी भी सब्जेक्ट में या होटल मैनेजमेंट में, उनको आप कुछ बोलना चाहोगे किस चीज को प्रिपेयर करें, किस चीज पर ध्यान दें अपने फ्यूचर के लिए, अगर उनको यहाँ आना है यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, आपके हिसाब से किस चीज पर उनको ध्यान देना चाहिए? उनको बेसिकली ध्यान देना चाहिए, एक तो उनका थोड़ा इंडिया में एक्सपीरियंस हो, बिल्कुल वो सच ठीक है, और दूसरा जरूरी नहीं है कि आप हॉस्पिटैलिटी में ही करो, अगर आपको मास्टर्स करनी है, अगर आपको किसी और इंडस्ट्री में ट्राई करना है तो आप ट्राई कर सकते हो। बट क्या, हॉस्पिटैलिटी में आने के लिए मुझे लगता है कि एक थोड़ा यहाँ लोगों से ना कनेक्शन बना के रखो जो हॉस्पिटैलिटी से है, आपने कहीं काम किया, आप किसी से मिले, कोई गेस्ट आया है वो हॉस्पिटैलिटी से है, तो उसके साथ इंटरेक्शन बनाओ, कनेक्शंस, हाँ, नंबर एक्सचेंज कर लिया, लिंक्डइन प्रोफाइल, लिंक्डइन यही बोलना चाहता था, लिंक्डइन, अब तो भाई लिंक्डइन में घुस जाओ, लोगों को रिक्वेस्ट भेजो, ढूंढो एक दूसरे को और मैसेज करो, कभी नहीं पता होता जिंदगी का यार। और हॉस्पिटैलिटी में क्या है, अगर आपको रेफरेंस है तो थोड़ा ईजी हो जाएगा आपके लिए, कि आप ना, आपका अगर आपका रेफरेंस है तो आपका
रिज्यूमे तो ऑलरेडी सिलेक्टेड है, सही बात, तो आपका एक एक क्राइटेरिया तो वैसे ही आपका कंप्लीट होगा। दूसरा आपका आता है फिर इंटरव्यू राउंड, फिर उसमें आपको परफॉर्म करना है। बिल्कुल, अगर उसमें आप सिलेक्टेड हो तो फिर सिलेक्टेड है, क्योंकि इसमें ज्यादा रॉकेट साइंस तो है नहीं हॉस्पिटैलिटी में, बेसिक है, बेसिक सबके, और बेसिकली क्या कॉमन सेंस है, बिल्कुल, कैसे खाना सर्व करना है, कैसे क्या बात करनी है गेस्ट से, कैसे, बस बेसिक चीजें हैं, बेसिक चीजें, कॉन्फिडेंस चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल चाहिए। एक चीज पूछनी थी भाई वीडियो खत्म करने से पहले, कितनी सैलरी होती है ना एवरेज एफएमडी सुपरवाइजर की यूके में? यूके में मिनिमम सैलरी 25 to 26K एनुअली, 25 to 26,000 per year, 25 to 26,000 per annum per year, मतलब 25 to 26,000 per annum per har saal aap kama sakte ho as a FNB supervisor, aur jaise jaise grow karoge manager banoge 30,000 40,000 45,000 GM 50 60 70 tak pahunch jata hai, to main batana chahta hu jo HM wale pooch rahe hain, head chefs ki bhi aisi hoti hai, 25 30 se shuru hoti hai, basic jo agar aap qualify ho fir head bante ho to 50 60 70 tak pahunch sakte ho, depending upon property, to abhi aap 25 30 tak dekh sakte ho agar aap supervisor ho, to 25 se 30,000 pounds saal ka aap kama सकते हो, इसमें सरवाइव कर सकते हो आप अगर अकेले हो। हाँ, सरवाइव कर सकते हो इजीली, मतलब आपका रेंट्स हो जाएगा, आपके जो ऑल एक्सपेंसेस है उसके बाद भी आप सेविंग्स कर लोगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया भाई, मतलब इसलिए मैं पूछ रहा था कि आप लोगों के सवालों के जवाब थोड़े से आपको मिले, सवालों के जवाब भाई हरियाणा को कुछ बोलो जल्दी से जाते जाते, हरियाणवी में भाई अपने भाई जो देख रहे हैं। हरियाणा को तो यही है कि भाई राम राम से आ रहे हैं, हरियाणा से जो भी अपने भाई आ रहे हैं तो वो आओ, ऐसी कोई वो नहीं है कि अपॉर्चुनिटी है अभी भी यहाँ अगर आप अप्लाई करते हो, बट चीज़ों का सही से यूज़ करो, आओ तो सही तरीके से काम करो। मैंने देखा है यार स्टूडेंट क्या कहते हैं, जैसे एक्स्ट्रा वर्किंग आवर्स करने के चक्कर में और चीज़ों में तो थोड़ी चीज़ों में फंस के रह जाते हैं, तो ये है कि प्रॉपर आए हो तो प्रॉपर स्टडी करो, प्रॉपर अपना काम करो, अपनी क्रेडिट हिस्ट्री सब कुछ अपना क्लियर रखो, ताकि आपको जॉब मिलने में ईजी हो। आगे फोकस अपना, गोल जरा जो भी लोग देख रहे हैं, एस्पायरिंग स्टूडेंट्स कहीं से भी देख रहे हो, कहीं भी बाहर पढ़ना चाहते हो आप, यूके यूएस ऑस्ट्रेलिया, सक्सेस स्टोरी है भाई, कोट पहन के बैठा है, उसके पीछे बहुत मेहनत है। इसलिए मैं थोड़ा बात कर रहा था, चाहता था होटल मैनेजमेंट के बारे में स्पेसिफिकली, और भी टॉपिक्स पे हमने बात की। यूट्यूब पे कॉमेंट करो, जय भी देखेगा, जय भी रिप्लाई करेगा। इंस्टाग्राम सबको पता है मेरा एडी बॉय है, डीएम करो, और कुछ ऐसे वीडियोस देखने हैं तो बताओ किस फील्ड के बारे में देखने हैं। बाकी जय भाई और कुछ बोल दो और फिर चलते हैं। बस, और तो जो भी देख रहे हैं उनको सबको थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच भाई। जय भाई मिला, मजा आ गया, मैरियट में हूँ मैं लंदन हीथरो में, पीछे हमारे सामने रनवे है, जहाज उड़ रहे हैं, फीलिंग आ रही है, तो बहुत बढ़िया। एक बार और दिखा देते हैं जाते जाते देख लो, आओ भाई जहाज दिख रहे होंगे अब तो एकदम जबरदस्त यूनाइटेड के, तो आई होप मजा आएगा आप लोगों को वीडियो देख के। बाकी भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, इतनी मेहनत करता हूँ यार प्लीज, ठीक है, आप लोगों के लिए तो वीडियोस बनाता हूँ, फिर मिलते भाई, हैं भाई के लिए जरूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब। थैंक यू भाई, जय हिंद जय हरियाणा, सी यू गाइस, टेक केयर, बाय।